ऐसी बहुत कम मूवीज होती है जो फादर मदर के रिलेशंस पे बनाई जाती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण फिल्म पर्दे पर जब रिलीज हो रही है, रणवीर हमारे साथ मौजूद है। रणवीर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो मूवी है, जैसे हम बोलते हैं कई जगह कोटेशन देखते हैं लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर, उस मिथ को थोड़ा तोड़ पाई, क्योंकि इंसान यही सोचता है मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर बने, तो ये प्रेशर कम हो थोड़ा? आई थिंक इट्स दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो फिल्म उस बारे में, इट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट द फिल्म टॉक्स अबाउट। फिल्म टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मोर इम्पॉर्टेंटली सक्सेस एंड फेलियर, वॉट इज़ द फैमिली डायनामिक, हाउ चिल्ड्रन शुड डील विद प्रेशर, कम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिशन। सो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करते हुए फिल्म एक एंटरटेनर है, आई थिंक विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, के इट्स अ स्टोरी विच विल कम्प्लीटली इंग्रॉस यू, एंगेज यू एंड मेक यू फील फॉर इट वाइल ऑल्सो मेकिंग यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। सो ये पिक्चर आपको लगता है कि बच्चों का जो डिप्रेशन में जो चले जाते हैं पढ़ाई को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, हाँ उसको थोड़ा सा उससे राहत मिलेगी अगर ये मूवी आके देखे, एक मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज देखने को? मैं ये तो कोई मतलब कोई दवा की तरह घूट के तो कोई पिला नहीं सकता, ना ही मैं समझता हूँ सिनेमा का कोई वो रोल ऐसा है। इट हैज़ द अबिलिटी, इट हैज़ द कैपेसिटी टू डू इट, बट येस आई एग्री विद यू कि फिल्म में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि मैं मानता हूँ विल हेल्प पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हु आर इन सिमिलर सिचुएशंस। रणवीर हमेशा कंटेंट ड्रिवन अपनी मूवीज के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी यही मूवी हरुण आपके जो सन है उनके लिए आपने की है। दरअसल हाँ, जब मैंने ये फिल्म साइन की थी, सुमन दा ने जब स्टोरी सुनाई थी तब मैं नया नया बाप बना था, तो मेरा तो रोना निकल गया था इनकी कहानी सुन के। आई वॉज ऑलरेडी इन टीयर्स बिकॉज लाइक आई सेड फिल्म हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर, एंड बींग अ फादर काइंड ऑफ ओपन दोज, मेड मी वल्नरेबल टू दोज फीलिंग्स आई गेस। और तब से इनफैक्ट मैं आई बीन इन्वॉल्व विद टू मोर चिल्ड्रन फिल्म्स आफ्टर दैट, बिकॉज आई थिंक आई एम मोर इमोशनली अट्रैक्टेड टू सब्जेक्ट्स विच हैव अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नाउ टू चिल्ड्रन्स फिल्म आफ्टर आई बिकम अ फादर। तो बहुत कम मूवीज देखी जाती है तारी जमीन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाई थी, आपको लगता है कि ऐसी मूवीज जो इम्पैक्टफुल होती है इनको भी बॉलीवुड में बनने चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ चिल्ड्रन्स फिल्म बहुत कम बनती हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ ज़्यादा सिटी टाइप फिल्में ज़्यादा बनती हैं, एंड आई थिंक वी शुड मेक मोर चिल्ड्रन्स फिल्म। सर आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, किस किरदार में आप नजर आने वाली मूवी है? मेरा किरदार है यदार्थ के दोस्त का, जो सोम है, जो हमारा मेन हीरो है, उसका मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, और हमारा गैंग है चार जनों का, तो मैं उनके साथ में एक उसका दोस्त हूँ बहुत अच्छा खास। तो ये कहानी मतलब इसी बारे में कि यथार्थ जो है जो एक शो में जाता है, और वो जब वहाँ पर जब वो हार जाता है तो वो हार को कैसे फेस करे, तो हम लोग उसे एज सपोर्ट करते हैं जब वो जा रहा था तब भी और जब वो आ रहा है तब भी, क्योंकि वो फेस बहुत मुश्किल है जब आप फाइट बैक कर रहे हो अपने फेलियर से, तो वो फेलियर्स में फाइट बैक करने में हम लोग हेल्प करते हैं उसकी, तो हम एज अ सपोर्टिंग उसके साथ हैं हर तरीके से। और सबसे मेन किरदार आपका, जैसे आप जैसे इट टेक्स लॉट ऑफ करेज ऐसी मूवीज बनाने के लिए बच्चों के ऊपर, तो किस आप सोचते हैं कि कैसे देखा आपने पूरा सिनेरियो ऑल ऑफ ब्लू माउंटेन? देखिए मेरे को एक ऐसी फिल्म बनाना, मेरी पहली फिल्म है, तो मुझे ऐसी एक फिल्म बनानी थी जो कि ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। सिर्फ मैं इस फिल्म को कमर्शियल फिल्म मानता हूँ, और इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये अगर ऑडियंस को कनेक्ट करे, जब मैं इस फिल्म को पहली बार प्रीमियर किया था हैदराबाद में, वहाँ पे करीबन 650 बच्चे, उनके माँ बाप और टीचर्स, वो लोग सब आए हुए थे, भारत सरकार का ये एक फेस्टिवल था ICFFI, वहाँ पे सभी बच्चों ने जो है मेरी फिल्म को बहुत इन्जॉय किया, और उनमें से एक मतलब बच्ची जो है वो लड़की आके बोली सर मैंने आपकी फिल्म को ऐसे करके देखा। मैंने बोला क्यों, मतलब सेकेंड हाफ जो है देखते देखते मैं रो रही थी, और मैं रोती भी बड़ी बुरी लगती हूँ, तो मुझे लगा चलो ये कोई अगर किसी की अगर आंखों में आंसू आप ला सकते हो, इसका मतलब ये है कि उसको आप इमोशनली कनेक्ट कर पाए हो। तो मुझे लगता है कि इमोशनली अगर आप अपने ऑडियंस को कनेक्ट कर पाते हो तो वो फिल्म ज़रूर लोगों को पसंद आती है। फिल्म फेस्टिवल्स में भी इसको जाना चाहिए, ऐसी फिल्म उसको अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में, तो कौन कौन से फिल्म फेस्टिवल्स में गई है? और देखिए मैं जिस भी फिल्म फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया है इस फिल्म को लेके, वहाँ से ये फिल्म कोई ना कोई अवार्ड लेके आई है, जैसे ICFFI में मैंने बोल रहा हूँ, ICFFI में इस फिल्म को जो है गोल्डन एलिफेंट अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म इन एशियन पैनोरामा दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये दिया, उसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट एडिटर, ये कई सारे और बेस्ट जूरी अवार्ड, तो ये सारे अवार्ड्स तो मिले हैं, लेकिन मेरे लिए
वो मेडल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि अगर एक ऑडियंस मेरा जो है अगर उस चीज़ को जो है वो पसंद करे तो मेरे लिए ऑडियंस का मतलब अप्रिसिएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एन अवार्ड. रन भाई चाहते थे व्हाट ऑल यू हैव टू से अबाउट ब्लू माउंटेन. मैं ब्लू माउंटेन्स के बारे में यही कहूँगा, आई थिंक इट्स अ फिल्म विच ऑल फैमिलीज शुड गो एंड वॉच टुगेदर बिकॉज आई थिंक more than anything more than the social message or the fact that it's an entertainer I think it will bring them closer. thank you sir. thank you. to hum bhi ye chahte hain ki aap sabhi 7 april ko blue mountains cinema ghar mein ja ke dekhe ek bahut important message ye film aapko dene wali hai. cameraman abhijit ke sath saurabh sharma samachar plus.